सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। मैं आपके वो मिलवाऊंगी एक टैलेंटेड लेडी से, तुम कहें अगर तो कैनवस और पेपर्स पे तो आपने पेंटिंग देखी होंगी, लेकिन आज मैं आपको मिलवाने जा रही हूँ कराची की एक ऐसी आर्टिस्ट से जो फहीम रेजिन पेंटिंग करती हैं। जी बिल्कुल, और यहाँ आने से पहले नाजरीन आपको मैं बता दूं कि मैं कसम खा के कहने के लिए तैयार हूँ, मुझे नहीं पता था रेजिन पेंटिंग क्या होती है। मैं इस पेंटिंग को 3D पेंटिंग ही समझता था, और आम जबान में अगर बात की जाए तो आप लोग भी इसे यही समझेंगे। इस पर ज्यादा डिटेल में बात करने से पहले, क्योंकि आप यहाँ पर देख सकते हैं कि डॉक्टर रुत की पेंटिंग भी यहाँ पर मौजूद है, और बहुत सारे यहाँ पर ये आप देख सकते हैं, ये एक टेबल साइड टेबल का ऑर्डर जो है वो वरदा ने दे दिया है। इसके नीचे इन्होंने पाए लगवाने हैं और उसके बाद ये साइड टेबल सेंटर टेबल का ऑर्डर दे दिया है। अच्छा, सेंटर टेबल का ऑर्डर दिया है, सेंटर टेबल, और ये रेजिन आर्ट से बनी हुई है। वेरी गुड, अगर आप देख सकते हैं ये, और 3D है। हमारे साथ बख्तावर मौजूद है, वेलकम टू द शो बख्तावर। सबसे पहले मैं ये जानना चाहूंगा कि आप जो पेंटिंग कर रही हैं रेजन आर्ट, उससे बिल्कुल बरअक्स यहाँ पर डॉक्टर रुत की जो है वो एक पेंटिंग मौजूद है, तो व्हाई डॉक्टर रुत, ये क्या इंस्पिरेशन है आपकी? क्योंकि मैंने आपके पैकेज में देखा जी। आपके पास और कोई पेंटिंग नहीं रखी हुई थी, डॉक्टर रुत सबसे ज्यादा क्लोज आपके जो है वो हर फ्रेम में मुझे नजर आई। जी बिल्कुल, क्योंकि मैं खुद डॉक्टर हूँ एक्चुअली, तो और डॉक्टर रुफाओ के बारे में सब जानते हैं कि कितनी बड़ी इंस्पिरेशन है, और हर डॉक्टर के लिए पूरी दुनिया में कोई भी इनसे जो है ना इंस्पिरेशन ले सकता है, तो मुझे बहुत शौक था उनसे मिलने का। और जब मैं फारिग हुई और मेरा दिल किया तो फिर वो पास्ट अवे, तो फिर मैंने उनके लिए एक पिक्चर बनाई थी, पेंटिंग बनाई थी, और ये अपनी उनसीयत इनके साथ ऐसे जुड़ सकती हैं कि आप इनके मिशन को आगे लेके चलें, कि जो सोशल सर्विसेज इनकी चल रही थी वो इंसानियत के लिए बहुत ही अहम है, बड़ी कीमती है, और बहुत ज़्यादा खिदमात इन्होंने अंजाम दी है। मेरी गुजारिश आपसे यही होगी कि जब आप डॉक्टर बन जाएं तो इनके मिशन को आगे बढ़ाएं। अच्छा, मैं बख्तावर यहाँ पे आपसे रिलेटेड सवाल करूंगी सारे रेजन आर्ट से, क्योंकि पहली बात तो ये कि रेजन आर्ट यहाँ पे लोगों को पता ही नहीं है कि होता भी है और ये आर्ट क्या है बेसिकली। अच्छा, इंटरनेशनली अगर हम देखें तो ये बहुत ज़्यादा मकबूलियत हासिल कर रहा है, मगर अफसोस की बात हमारे यहाँ इतना कोई नहीं कर रहा, हमारे यहाँ लोगों को पता भी नहीं है। तो पहले तो मुझे ये बताओ कि इस रेजन जो अपॉक्सी इज अ केमिकल राइट, जिसके ऊपर आप इसको डालते हो पूरा उसको लेवल करते हो, वो आपको इजीली अवेलेबल हो जाती है पाकिस्तान में? अब बहुत इजीली अवेलेबल है कुछ पिछले कुछ सालों से, लेकिन जब हमने शुरू किया था तब नहीं थी, बहुत मुश्किलों से, हमें नाम भी नहीं पता था, उसको ढूंढना भी बहुत मुश्किल था, लेकिन अब ये हर जगह पे मिल जाती है, लेकिन क्वालिटी में डिफरेंस होता है, हर जगह अच्छी क्वालिटी का नहीं मिलता। सही, तो आप नहीं, मैं इनकी पेंटिंग से रिलेटेड टेक्निकल सारे सवाल आपके, मुझे क्योंकि इस बारे में टेक्निकली कुछ नहीं मालूम है जी, मैं एक्सेप्ट करने को तैयार हूँ। मैं सिर्फ ये जानना चाह रहा हूँ कि ये कार्प फिशेज आपके हर उसमें मैं देख रहा हूँ, कोई जिसे जापानी जबान में कहा जाता है, तो इससे क्या उनसीयत है आपकी, व्हाई कार्प्स? ये बहुत कलरफुल होती है ना, बहुत अट्रैक्टिव लगती है एकदम देखने में, और ये पॉन्ड्स में होती है, तो इस वजह से इसका एनवायरनमेंट भी बड़ा खूबसूरत होता है, पत्ते वत्ते बड़े होते हैं। अच्छा अच्छा, मतलब मैंने सोचा शायद डॉक्टर रुत की तरह कार्प की भी कोई स्टोरी होगी आपके पास। अच्छा, मुझे बख्तावर ये बताइए कि इसकी प्राइस क्या है आपकी जो साइड टेबल? अच्छा, बेसिकली ये साइड टेबल उन्होंने डिजाइन की है, ये 3D में है, अगर इसके अंदर आप देख सकें फिशेज वगैरह भी हैं तो वो भी 3D में ही हैं, और ये असली मछलियाँ नहीं हैं लेकिन लगती बिल्कुल असली हैं। तो पहले तो ये बताइए बनाई कैसे है, इसकी कॉस्ट क्या है, और अगर हम नॉर्मली आपको ऑर्डर भी दे सकते हैं तो आप टेबल साइड टेबल्स वगैरह सारी चीज़ें बना सकती हैं, तो मिनिमम कितने से स्टार्ट होता है, किस तरह से आपको जो है वो ऑर्डर दिया जाए वो भी बताइएगा प्लीज। एक तो ये कि इस पे ये डिपेंड करता है कि साइज पे डिपेंड करता है, इसी पे बात कर लेते हैं ना, जो ये अगर इतना ये साइज स्टैंडर्ड ये साइड टेबल का एक साइज है, एक और वुड पे है, रियल वुड है, ओरिजिनल वुड है, कितने तक की कॉस्ट पड़ेगी इसकी? ये अगर मैं सेल करने जाऊँ तो इट विल स्टार्ट फ्रॉम 35,000। भाई थोड़ा मुनासिब, सस्ता नहीं, सस्ता बता रही है। नहीं नहीं, मैं तो थोड़ा सा पाकिस्तानी नेचर का, भाई थोड़ा मुनासिब कर लें, 20 कर लें, सबसे मुनासिब, सबसे मुनासिब जी बिल्कुल। ऐसे कस्टमर्स आएंगे, तैयार रहना है आपने जी बिल्कुल, हाँ ऐसे बहुत सारे आएंगे, मैं दुकानदार हूं इस मामले में, बिल्कुल जबरदस्त। अच्छा, मैं यहाँ पे एक चीज मेंशन करना चाहूंगी कि बख्तावर ने कहीं से चीज सीखी नहीं, सबसे अनोखी और एक मैं कहूंगी अचंभे की बात है कि इन्होंने कुछ सीखा नहीं है, खुद से इन्होंने प्रैक्टिस की है, खुद से ये लर्न कर रही है और खुद से ये बना रही है, और इनकी पहली पेंटिंग अगर आपको दिखाएं, ओह माय गॉड, वो इस तरह की पेंटिंग थी, लेकिन कोई इमेजिन नहीं, कोई यकीन नहीं करेगा, जब उन्होंने ब्रश उठाया तो वो पहली पेंटिंग थी इनकी, और इतनी परफेक्ट बनाई थी इन्होंने, मैंने पिक्चर देखी उसकी, तो गॉड गिफ्टेड है ये सब चीज़ें, कैसे जहन में आता है इतना सब? असल में मेरे फादर करते हैं, शुरू से करते हैं, उनको मैंने देखा है, लेकिन उन्होंने भी कहीं से नहीं सीखा, एज ए PI ऑफिसर, और उन्होंने भी इसी तरीके से करते थे, शौकिया करते हैं बिल्कुल,
उनको बस देखना, उन्होंने मुझे कुछ सिखाया कभी कि इस तरह से ये ब्रश यहाँ पे यूज होगा या कुछ, बस उनको देखते देखते और खुद ही हो गया। इंस्पिरेशन क्या है आपकी, मतलब जैसे सात कैन साहब यहाँ से जो है वो पाकिस्तान का एक बहुत बड़ा नाम गुजरे हैं, गुल जी बहुत बड़ा नाम गुजरे हैं, एम एफ हुसैन अगर आप इंडो पाक की बात कर ले, तो ये बहुत एब्स्ट्रैक्ट आर्ट के एक ऐसी फॉर्म है जो कि दुनिया भर में मानी जाती है, जानी जाती है, और आपकी आर्ट में भी जो है वो मैं देख रहा हूँ कि एक फील एब्स्ट्रैक्ट की मिल रही है, क्योंकि आप कलरफुल बहुत ज्यादा चीजों को हाईलाइट कर रही है, तो एक इंस्पिरेशन किसी ना किसी की कहीं ना कहीं जरूर होती है, कोई सीनरी, कोई शख्स, कोई वाकया, कोई सानेहा, क्या ऐसी इंस्पिरेशन है जिससे आपको लगा कि मैं पेंट करूं? नहीं, मेरी इंस्पिरेशन सिर्फ मेरे फादर हैं, मेरी मदर हैं, दोनों करते हैं और उनको देख के मुझे शौक चढ़ा। मैंने बरसी में मिला है ना इनको, जीन्स वाला मामला है जी, ये जीन्स, ये डीएनए वाला है जी, नेट है बिल्कुल, क्योंकि मैंने कहीं से नहीं सीखा ना, मेरे फादर ने कहीं से सीखा, और वो कहते हैं कि मेरे दादा भी बनाते थे तो उन्होंने भी कहीं से नहीं सीखा था, तो स्किल्स भी इस तरह से जीन्स में रन कर सकती हैं। बिल्कुल, तो फिर तो इस पे हम सवाल ही नहीं कर सकते आगे दूसरा बख्तावर, क्योंकि जब आपके दादा से चली आ रही है एक चीज, तो विरसे में तो आपको फिर मुफ्त में मिली है, कोई सवाल ही नहीं हो सकता, सिर्फ डीएनए टेस्ट होगा और उसमें रिजल्ट आएगा पेंट पेंट। अच्छा, इसमें मैं आपसे सवाल करूंगी बख्तावर की, हो सकता है जो लोग रेजन आर्ट को या इस तरह चीज़ों को समझते हैं वो ये सवाल जरूर करें। अच्छा, हम ये देखते हैं रेजन आर्ट में इस तरह की टेबल्स वगैरह बनती हैं, तो उसमें हम देखते हैं कि एक जैसे अगर कोई पानी बनाया हुआ है या इस तरह कलरफुल था किया, तो उसमें ग्लो आ रहा होता है। इसमें मैंने देखा है कि आपने 3D में फिशेज तो बनाई है, लेकिन आपका पानी भी दिख रहा है लेकिन वो ग्लो नहीं कर रहा, रीजन क्या है इसका? एक तो ये कि ये चीज थोड़ी डिफरेंट तरीके से बनती है, हम इसको लेयर्स में बनाते हैं, और जो आप बात कर रही हैं वो ग्लो, वो एक मीका पाउडर मैंने देखा है। मैं अक्सर ये होता है कि बहुत सारे लोग मुझसे शायद एग्री करें कि जब हम फारिग होते हैं ना रात को 2:30 बजे के बाद, एक ऐसा दौरा चढ़ता है हमें यूट्यूब पर कि हम या तो वो दो भाइयों को देख रहे होते हैं जो कि जमीनें खोद खोद के पूल बनाते हैं, ठीक है जी, मोस्टली, या हम खाने देख रहे होते हैं कि जी कहां कहां क्या बन रहा है, या एक ऐसी फॉर्म होती है आर्टिस्टिक जिसे कि हम बार बार देखते हैं, जो लोग जो हैं कारपेंटर्स जो हैं जो बहुत डिफरेंट आर्ट्स बना रहे होते हैं, उसमें ये रेजन आर्टिस्ट जो हैं वो अपने टेबल्स को बनाते हुए इसकी मेकिंग दिखाते हैं स्टेप बाय स्टेप। तो मेरा ये मशवरा भी आपसे और सवाल भी है कि आपने अभी तक कोई ऐसा यूट्यूब चैनल ज्वाइन क्यों नहीं किया, बनाया क्यों नहीं, जिसमें आप इसकी मेकिंग ग्राउंड जीरो से लेकर के इसके फाइनल प्रोडक्ट तक इसे आप बनते हुए दिखाएं हमें। मेरे ख्याल में आवाम की भी ये ख्वाहिश होगी कि हम अपने लोकल आर्टिस्ट को ये करते हुए देखें। बिल्कुल, मैंने सोचा था लेकिन मेरी पढ़ाई ने मुझे कभी इतना टाइम नहीं दिया कि मैं इसको बाकायदे तौर पर शुरू करूँ कोई यूट्यूब चैनल, बस जैसे जैसे टाइम मिलता था मैं वैसे वैसे करती जाती, इतना बाकायदे तौर पर मैंने किया नहीं है कभी कोई काम, तो सोचा है अगर कभी फारिग हुई तो फिर मैं जरूर शुरू करूंगी। मुझे बहुत सारे लोग मैसेज करके बोलते हैं कि आप हमें सिखा दें। नहीं, आपको बिल्कुल करना चाहिए इसको, एज ए करियर भी आपको परस्यू करना चाहिए, डेफिनेटली हमें पूरा यकीन है इंशाअल्लाह आप इसमें ज़रूर कामयाब होंगी, बल्कि हो गई हैं, और ज़रूर आपका नाम इसमें रोशन करेंगी हम, पाकिस्तान का भी और इंटरनेशनल तौर पे भी इसको मनवाएंगी। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया बख्तावर, आप आई यहाँ पे, और ये साइड टेबल मेरी हुई है, ये साइड टेबल आपने लिए, डॉक्टर रुत को जो है वो मैं यहाँ से ले जाऊँगा अगर वो मुझे देने के लिए तैयार हुई तो। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।